ड्रैगन बॉल सुपरडन का चैप्टर 11 फाइनली आ चुका है और जैसी अपन को निंजा गोकू की स्टोरी लाइन से उम्मीद थी, ये चैप्टर भी एज यूजुअल धमाकेदार है। गोकू इन निंजा वर्ल्ड की स्टोरी लाइन के रिसेंट पार्ट्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपने है एंड अभी तक आपने इसके रिसेंट पार्ट्स को नहीं देखा है तो यार पहले जाकर उनको जरूर देखो, क्योंकि तभी आपको स्टोरी लाइन समझ आएगी कि स्टोरी लाइन के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। लास्ट टाइम सुपर सैयन 3 गोकू का फीमेल गोकू के साथ एक धमाकेदार बैटल होता है और आखिरी में गोकू ने फीमेल गोकू को जैसे तैसे करके डिफीट कर दिया था। बट फीमेल गोकू के साथ अपने लॉन्ग लास्टिंग बैटल की वजह से गोकू रियल वर्ल्ड के अंदर सो गया था। यहाँ इटाची गोकू को चेकआउट कर ही रहा था कि तभी जिराया इटाची को कैप्चर करने की कोशिश करता है, बट इस टाइम नारुतो अमातरासु के इटरनल फ्लेम्स के अंडर था तो जिराया इटाची को छोड़कर एक्चुअली में नारुतो को संभालता है और कुछ इसी तरह इटाची किसामे को लेकर एक्चुअली में बैटल फील्ड से बचकर भाग जाता है। देन अपन को कुछ वीक्स के बाद इस घर का सीन आता है जो कि जंगल के एकदम बीचों बीच था। इस घर के बेसमेंट के अंदर एक जेल थी जहाँ पर उन्होंने गोकू को बंद कर रखा था। यहाँ गोकू वाकई में काफ़ी बोर हो रहा था कि तभी ओबिटो अपनी कामुई के जरिए यहाँ अराइव होता है। ओबिटो को देखकर गोकू वाकई में काफ़ी खुश था और गोकू ओबिटो को बताता है कि वो उसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, तो क्या तुम उस चीज़ को लेकर आए हो। इधर ओबिटो इस बात को सुनकर वाकई में काफ़ी शॉक्ड था कि गोकू एक्चुअली में उसका वेट कर रहा था। इसके बाद ओबिटो गोकू को एक चॉकलेट देता है और गोकू से करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर गोकू बताता है कि सिचुएशन कुछ खास नहीं है, उस दिन के बाद से चीज़ें कुछ खास चेंज नहीं हुई हैं। देन अपन को उस टाइम का सीन आता है जब गोकू फीमेल गोकू को डिफीट करने के बाद सो गया था। यहाँ जुराया गोकू के पास ही था कि तभी गोकू अपनी नींद से जागता है और इस टाइम गोकू के फेस को देखकर एक्चुअली में हर कोई बता सकता था कि गोकू इस टाइम वाकई में काफ़ी एंग्री था। गोकू जागते ही अकाशी को इधर उधर सर्च करना शुरू करता है कि तभी गोकू को रियलाइज होता है कि उसके कपड़े एकदम ओके हैं, आसपास का लैंडस्केप भी कम्प्लीटली फाइन था, जबकि गोकू एंड फीमेल गोकू के बैटल ने ऑलमोस्ट अर्थ की हर एक चीज़ को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ गोकू को जल्दी रियलाइज हो गया था कि वो केवल केंजुत्सु था। देन गोकू की नज़र मास्टर जुराया पर पड़ती है। गोकू को यकीन था कि उसने इस बंदे के फेस को कहीं ना कहीं देखा था, बट उसे एग्जैक्टली याद नहीं था कि आकर उसने मास्टर जुराया को कहाँ पर देखा था। लेकिन जब जुराया अपनी फोटो गोकू को शो करता है तब गोकू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो जुराया हो। ये फोटो एक्चुअली में गोकू के पास थे जिसे लेडी सोनाटे ने गोकू को दिया था। गोकू एंड जुराया बात कर ही रहे थे कि तभी फाइव कागे अचानक से इनके पास अपीयर होते हैं। देन राय कागे चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। राय कागे जुराया से पूछता है कि वो मॉन्स्ट्रस चाकरा कहाँ से आ रहा था, जिस पर जुराया पहले तो राय कागे को शांत रहने के लिए बोलता है और बताता है कि हमारा अभी अकाशी के साथ एक बैटल हुआ था नारुतो को अमातरासु की फ्लेम्स की वजह से। एक्चुअली में बैटल के अंदर काफ़ी चोटें आई थी, तो गारा नारुतो के पास जाता है। गारा एंड जुराया नारुतो की कंडीशन के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी रायकागे कहता है कि तुम पहले उस मॉन्स्टर्स चाकरा के बारे में बताओ। देन गोकू बताता है कि वो चाकरा मेरा था। ये सुनकर रायकागे कहता है कि अगर वो तुम थे तो तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। रायकागे के इस डिसीजन पर मिजुकागे एग्री नहीं होती और यहाँ लेडी सोनाटे भी रायकागे को अपोज करती है और बताती है कि इस तरह तो तुम्हारे पास एक और पावरफुल वेपन आ जाएगी। यहाँ इन सभी कागेज के डिसएग्रीमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी ओनोकी कहता है कि हमें बेवजह की बहस नहीं करनी चाहिए, हम सभी को एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक्चुअली में किसी डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट पर आना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी डिस्कस करके जल्दी एक कंक्लूजन पर आ जाते हैं। यहाँ होकागे यामाटो को एक प्रिजन बनाने का ऑर्डर देती है, तो यामाटो अपने बुड स्टाइल को यूज करते हुए यहाँ गोकू के लिए जंगल के बीचों बीच एक प्रिजन को क्रिएट करता है। इसके बाद लेडी होकागे गोकू से रिक्वेस्ट करती है कि अभी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो क्या तुम प्लीज़ यहाँ कुछ दिन बिना किसी को परेशान किए रह सकते हो। गोकू भी लेडी होकागे की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सब कुछ गोकू एक्चुअली में ओबिटो को बता रहा था जो कि अब शायद गोकू का फ्रेंड बन चुका था। वैसे अभी अपन को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये दोनों फ्रेंड्स कैसे बन गए, बट इतना कन्फर्म है कि ओबिटो गोकू का दोस्त है
और मे बी इन फ्यूचर ओबीटो गोकू को फाइव कागे के अगेंस्ट यूज करे। इस पॉइंट पर आकर इसका चैप्टर 11 ओवर हो जाता है और मुझे सच में नहीं पता कि इसका नेक्स्ट चैप्टर कब तक आएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट चैप्टर फटाफट आ जाए तो यार पहले तो वीडियो को लाइक करो और इसके क्रिएटर होकोबो को हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।